इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है, इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है, धीरे धीरे जो चलो गुमशुदा हो जाओगे। हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी मजबूत तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे जो आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर। आप सबके द्वारा मुझसे इतनी कमेंट आ रही है इस एग्जाम के लिए कि सर इसका एग्जाम कब होगा, कुछ बता दीजिए किस तरीके से। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जब कोई जानकारी होती है या कुछ ऑथेंटिक न्यूज होती है या कहीं से थोड़ी बहुत कुछ भी बातचीत करके कुछ भी अंदाजा लग जाता है तो वीडियो में बना देता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन डेली रेडियो ऑपरेटर एग्जाम ऐसे किस तरीके से बताऊँ, जब कोई जानकारी हो तभी आपके लिए बताना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, डिले होगा या नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम की। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है, क्या आपकी तैयारी पूरी हो गई? क्या आपकी, अपने आप से पूछिए क्या मेरी तैयारी पूरी हो गई? लेकिन एक बात और बता दूं, मैं किसी भी एग्जाम की कंप्लीट कोई तैयारी नहीं होती, क्योंकि सिलेबस का आप जितना पढ़ लो उतना कम है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। आप कितना भी पढ़ लीजिए उतनी ही ज़रूरत रहती है एग्जाम के लिए। तो ये सबसे ज़रूरी बात है, आपको जितना टाइम मिल रहा है, जितना मौका मिल रहा है उतना चीज़ों को पढ़ते चलो, नई चीज़ें सीखते रहो और जो आपने पिछले टाइम में पढ़ चुका है अब तक उसका रिवीजन करते रहो। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट की हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक होगा, क्या होगा। देखिए आपको पिछली वीडियो में मैंने भी बताया था और आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर वीडियो में भी देखा होगा, आपको जो एग्जाम बताया गया था वो बताया गया था कि जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जून बिल्कुल ख़त्म होने को है और जुलाई आने को है, लेकिन आपके जुलाई के एग्जाम के बारे में अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो इस वजह से ये मान रहे हैं, ये लगभग ऐसा लग रहा है जो सूचनाएं मिल रही हैं कि जुलाई में आपका एग्जाम नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं, क्योंकि आपको पता है भर्ती एसआई में देखो भर्ती बोर्ड कितनी तेज़ी से काम कर रहा है। 5 दिन पहले कोई भी नोटिस निकलता है, 5 दिन बाद कोई भी किसी भी तरीके की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। तो इस वजह से जुलाई में भी आपका पूरा एक महीना पड़ा है, अभी जुलाई में भी आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद जुलाई में आपका एग्जाम नहीं हो। अगर आपका जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ तो आपका बिल्कुल आपका एग्जाम अगस्त में हो जाएगा। अगर आपका जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ तो आपका अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको जुलाई में गारंटी से कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर जुलाई में एग्जाम होता तो अब तक आपका नोटिस अब तक कोई ना कोई तो दिखा देते, लेकिन अभी तक नहीं बताया। इसका मतलब ये भी नहीं कि जुलाई में एग्जाम आपका नहीं हो। जुलाई में अगर आपको इन्होंने बाई चांस जुलाई के लास्ट वीक में इन्होंने एग्जाम कराया तो ये आपको पता है जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में भी कोई भी नोट से एक निकाल करके आपको एग्जाम की डेट दे देंगे और आपका एग्जाम करा देंगे। तो जुलाई में भी आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन दिमाग में एक पॉइंट ये भी रखिए कि जुलाई में नहीं भी हो सकता है। अगर जुलाई में नहीं हुआ तो आपका एग्जाम अगस्त में होगा, लेकिन ये है आपको जुलाई में कोई ना कोई नोटिस आपको इस एग्जाम के देखते हुए मिल जाएगा, क्योंकि अब जो एग्जाम है वो यही एग्जाम होना है। तो इस वजह से भर्ती बोर्ड का ध्यान अब इस पर जैसे ही आ गया ये समझिए आपका तुरंत एग्जाम की डेट आ जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी है आप सबकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम की। आपकी कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट आपके में रिप्लाई वहाँ भी दे रहा था कि आपका एग्जाम जुलाई में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी कोई ऐसी कोई वो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। लेकिन आपके कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे थे तो वीडियो बनाना एक मजबूरी सी हो जाती है। इस वजह से जब सबके डाउट जो एक ही रहता है सबसे ज़्यादा, इस वजह से आपका जो एग्जाम के बारे में मैंने बता दी, बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करिए और ये मत सोचिए कि आराम से तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगली भर्ती आएगी। तो ऐसे धीरे धीरे तैयारी के चक्कर में आपकी एज भी निकल जाएगी, इसमें भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे दो लाइन याद आ रही है आपके लिए कि इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है, इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है, धीरे धीरे जो चलोगे गुमशुदा हो जाओगे। तो इस चक्कर में मत रहिए कि हम धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे, इसमें हो गया तो ठीक, नहीं अगली वैकेंसी आएंगी। अच्छे तरीके से मन से तैयारी करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई भी आपका मेरे लिए कोई भी सवाल हो कुछ भी हो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं वहाँ रिप्लाई करूंगा। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर बेस्ट बुक की बात करें, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है
इसमें सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं, और इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर हुए हैं। और आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और आगे बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। और इसके और भी सब्जेक्ट के कई बुक हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, तो इसे आप अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बेस्ट बुक। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन अवश्य दबाएं। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।